हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30 बाई 56, 30 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 56 फीट इस प्लॉट की लंबाई है और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी किन्हीं और का भूखंड आया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 30 फीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये देख लीजिए आप, 30 फीट तो प्लॉट की चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ तक, ये सामने तक, ये है आपकी 56 फीट है, ठीक है। 56 फीट है, 30 बाई 56 फीट है प्लॉट की साइज़, ठीक है। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख है। तो पूर्व दिशा से हम सबसे पहले जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 9 फीट का मेन गेट आ रहा है, ठीक है। मेन गेट जैसे ही खोलते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो 4 फीट का पैसेज आ रहा है ओपन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 फीट का पैसेज आ रहा है ओपन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। फिर इसके बाद में ये आ रहा है हमारा पार्किंग, जिसकी साइज़ है 10 बाई 12 फीट 9 इंच, 10 फीट ऐसे और 12 फीट 9 इंच ऐसे हमारी कार पार्किंग आ रही है। और फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए, हम जैसे तीन स्टेयर अप करेंगे तो हमारे पास आउटर सीटिंग आ रहा है, ठीक है, जिसकी साइज़ है 6 बाई 7 फीट 9 इंच, 6 फीट ऐसे और 7 फीट 9 इंच ऐसे, ये हमारा आउटर सीटिंग है। और आउटर सीटिंग से हमारा है मेन डोर 4 फीट का, ये मेन डोर है हमारा और ये 4 फीट का, ठीक है। यहाँ से हम मेन डोर खोल के जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है डाइनिंग और लिविंग एरिया, ठीक है। डाइनिंग और लिविंग एरिया की साइज़ है 21 फीट 9 इंच ऐसे लंबाई के अंदर है, ठीक है, और 17 फीट 9 इंच ऐसे चौड़ाई के अंदर है। 21 फीट 3 इंच बाई 17 फीट 9 इंच का डाइनिंग और लिविंग एरिया रहा। मेन डोर के देखिए इस तरफ देखते हैं मेन डोर के, तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी साइज़ है 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, ठीक है। जो कि कॉर्नर पे हमने 4-4 फीट की विंडो दे रखी है, एक तो 4 फीट की विंडो सामने पैसेज की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किचन 10 बाई 12 का। किचन से वापस बाहर आते हैं तो ये फिर डाइनिंग और हमारा लिविंग एरिया, ठीक है। और इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है एक और, जिसकी साइज़ है हमारी 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, 10 बाई 12। इसकी 4 फीट की विंडो है जो कि हमारे सामने पार्किंग की तरफ है, ठीक है। तो ये 10 बाई 12 का रूम हो गया। और इसके बेडरूम के दरवाजे के जस्ट पास में ये देखिए हमारा 2.5 फीट का दरवाज़ा है और ये हमारे आ रही है कॉमन टॉयलेट, जिसकी साइज़ है 6 फीट 8 इंच बाई 4 फीट 2 इंच, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, 6 फीट 8 इंच बाई 4 फीट 2 इंच। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है उत्तर दिशा के अंदर, उत्तर दिशा के अंदर हमने 3 बाई 8 फीट 6 इंच का OTS छोड़ रखा है। OTS का मतलब होता है ओपन टू स्काई, ठीक है, 3 फीट ऐसे चौड़ाई के अंदर और 8 फीट 6 इंच ऐसे लंबाई के अंदर। और इस OTS के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाज़ा दे रखा है, ठीक है। और उसके जस्ट पास में फिर देखते हैं तो यहाँ से वापस बाहर आते हैं कॉमन टॉयलेट से, तो ये देखिए आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया 21 फीट 3 इंच बाई 17 फीट 9 इंच। फिर इस तरफ चलते तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा आ रहा बेडरूम, जिसकी साइज़ है 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, 10 बाई 12 का बेडरूम आ रहा। इसकी 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा की तरफ निकल रही है, पश्चिम दिशा की तरफ हमने 3 फीट चौड़ाई के अंदर पूरी बालकोनी छोड़ रखी है, ठीक है। 3 बाई 30 के अंदर हमने ये पूरी बालकोनी छोड़ रखी है, ठीक है, जिसके अंदर इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस बेडरूम के जस्ट पास में हमारा स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट का स्टेयर केस का लैंडिंग है, ठीक है। यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और स्टेयर जहाँ से स्टेयर केस का जहाँ लैंडिंग है उसके नीचे 3 फीट का हमने दरवाज़ा दिया है इस पीछे वाली बालकोनी के अंदर जाने के लिए, ठीक है। फिर स्टेयर केस से जहाँ पे खत्म हो रही है उसके जस्ट पास में ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है 10 बाई 12, ठीक है, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, 10 बाई 12 का बेडरूम आ रहा। इसकी 4 फीट की विंडो भी पीछे बालकोनी के अंदर निकल रही है और इस बेडरूम के अटैच के अंदर टॉयलेट है, ये देखिए 2.5 फीट का उसका दरवाजा है और ये 4 बाई 6 फीट 8 इंच का अटैच टॉयलेट है। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस OTS के अंदर निकल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया। चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले 9 फीट का मेन गेट, ये हमारा पार्किंग हुआ, ये 4 फीट का पैसेज और ये हमारा आउटर सीटिंग, ये मेन डोर और फिर मेन डोर के जस्ट पास में ये हमारा किचन और ये हमारा डाइनिंग और पूरा लिविंग एरिया, ये हमारा बेडरूम और ये कॉमन टॉयलेट, ये हमारा पीछे OTS और फिर ये इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम, ये स्टेयर केस और एक और बेडरूम यहाँ पे और ये हमारे पीछे हो गई बालकोनी। तो चलिए मैं अब आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 30 बाई 56 प्लॉट की साइज़ है, 30 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 56 फीट प्लॉट की लंबाई है और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख है। तो ये देखिए दोस्तों,
मैंने इसके अंदर टोटल 3 बेडरूम, एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, पार्किंग, किचन, स्टेयरकेस वगैरह डिजाइन किया मैंने। तो ये देखिए, सबसे पहले पीछे हमारी 3 फीट की बालकनी हो गई, और ये हमारा बेडरूम हो गया 10x12 का। ये यहाँ पे इसका दरवाज़ा हो गया, ये 10x12 का बेडरूम, यहाँ पे इसका दरवाज़ा, ये हमारा स्टेयरकेस और बालकनी के अंदर पीछे जाने के लिए यहाँ से दरवाज़ा, ठीक है। और इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, और इसका वेंटिलेशन भी पीछे 3x8 फीट 6 इंच का हमने उठिया छोटा का, ये देखिए यहाँ पे पूरा। और फिर ये हमारा कॉमन टॉयलेट, और फिर ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया 17 फीट 9 इंच बाई 21 फीट 3 इंच का। और ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा बेडरूम 10x12 का, और इस ओटीएस के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से ये 2.5 फीट का दरवाज़ा। फिर ये हमारा 4 फीट का मेन डोर, और इस बेडरूम की विंडो इधर पार्किंग की तरफ। और ये हमारा किचन 10x12 का, जिसकी ये दोनों विंडो कॉर्नर पे है, ये एक तो सामने और एक पार्किंग की तरफ। ये हमारा आउटर सीटिंग 6x7 फीट 9 इंच का, और ये 10x12 फीट 9 इंच का हमारा पार्किंग। ये 4 फीट का हमारा पूरा ओपन पैसेज, और ये हमारा 9 फीट का मेन गेट, और ये पूर्व दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जो पास वाले बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।